आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों का वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट होगा, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ठीक है भाई, वेपर प्रेशर। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। वाष्प दाब, पहली बात है कि वेपर बनेगा कैसे, वाष्प, वेपराइज होना, तो उसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसकी बात की जाएगी आज के पूरे के लेक्चर के अंदर। और इससे रिलेटेड आगे हम लोग जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर घुसेंगे तो वहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है भाई। तो ये वेपर बनते कैसे हैं, वेपर की बात करें तो ये वाष्प बनते कैसे बताएं, एक बार आप लोग कमेंट करें, कमेंट करें भाई, कमेंट करें। देखिए भाई, सिंपल सी बात है कि वेपरेट होगा कोई भी चीज, आपने वेपरेशन ना होगा, वाष्पीकरण, आप लोग कहें वाष्पीकरण, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है ना। मान लीजिए अगर वेपर का बनना हुआ तो ये वेपराइजेशन होना जरूरी है, ये प्रोसेस होना जरूरी है। आप समझ लें, आपके पास में एक कंटेनर है, कंटेनर आपने लिया हुआ है और कंटेनर के अंदर आपने क्या किया हुआ है, लिक्विड भर, समझिएगा, बड़ी बेसिक सी बात बता रहा हूँ कि कौन से मॉलिक्यूल आपके वेपराइज होंगे, कौन से नहीं होंगे, का वाष्पीकरण होगा किनका नहीं होगा। बहुत हल्की सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, ओपन वेसल है, ये कैसा है, ओपन वेसल, खुला बर्तन है ये, ठीक है। हम एक बार बंद भी करेंगे बर्तन को, एक बार खुला भी रखेंगे, ओपन वेसल है आपका। तो देखिए ध्यान से कि मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे ये टाइप का कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और इसी का एक पार्ट बिल्कुल सरफेस पे, पानी के सरफेस, यहाँ पे पानी के सरफेस, ये मान लीजिए सरफेस पे, मान सरफेस के ऊपर, ठीक है। कुछ हैं जो बिल्कुल बीचों बीच है, देखें ध्यान से, जो बीचों बीच हैं इनको हम लोग कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल, कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल, बल्क मॉलिक्यूल, और जो यहाँ पे हैं इनको हम लोग कहते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस। देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी हमारा बर्तन क्या हुआ है, खुला है, तो हमारे पास में दो तरीके की चीजें दिख रही हैं, एक तो बल्क दिख रहा है, एक सरफेस के ऊपर। मान लीजिए कि आपका क्या है, पानी है, पानी के नीचे एक तो पूरा अंदर वाला हिस्सा और एक बिल्कुल उसके सरफेस वाला हिस्सा, उसकी बात हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इस वाले पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बल्क वाले हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे चारों तरफ से फील करेगा, चारों तरफ से इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो चारों तरफ से लगेगा, और जो सरफेस के ऊपर है यहाँ पे है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ दिखता हुआ इसका आएगा, नीचे की तरफ ये अट्रैक्ट हो। बोलो मेरे भाई, क्या ये मैं कह रहा हूँ, क्या मैं ये सही कह रहा हूँ कि इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ से फील करेगा ये, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है, इधर से भी लगेगा, उधर से भी लगेगा, उधर से, इधर से, और यहाँ पे क्या होगा, केवल और केवल नीचे से ही लगेगा। बोलो भाई, क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, बोलो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कर रहे हैं, जो यहाँ पे बल्क में है ये आपको आपको ये नजर आता हुआ दिख रहा है कि ये चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। अब बताओ, इस पे चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये ज्यादा अट्रैक्शन इस पे लग रहा है और इस पे कम अट्रैक्शन लग रहा है, इट मींस कि यहाँ पे बल्क मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और सरफेस मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम फील हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को ही मिल रहा है
यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या है, कम है, और यहाँ पे आपका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। अब मुझे बताइए, ये आपने लिखा है कि ई वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण बोला है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा। वाष्पीकरण का मतलब आप पानी गर्म कर रहे हो और वो भाप बन के उड़ता चला जाए, पानी भाप बन के उड़ रहा हो ऐसे। अगर आप मुझे बताइए कि आपको आगे जाना है या भागना है, तो आपको कोई दो चार लोग चारों तरफ से घेर लेंगे, तो आप उस स्पीड से या फिर जा ही नहीं पाओगे, हो सकता है आप खड़े रहो। अगर इस पे हम बात कर रहे हैं तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है इसके कंपेयर में, तो ये वाली चीज़ अभी स्थिर है इसके कंपेयर में। और दूसरी चीज़, ये पूरा का पूरा कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, चारों तरफ भरा हुआ है। अगर इस सरफेस पे पहुंचा है, ये मॉलिक्यूल अगर सरफेस पे पहुंचा है, इसका क्या मतलब है, ये बहुत सारे कई लोगों के बीच, मान लो 50 लोगों के बीच, आप अगर बाहर निकल कर आ रहे हो ऊपर की तरफ, इट मीन्स कि आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रही होगी। समझिएगा, आप 100 लोग एक कमरे के अंदर हों, लेकिन एक आदमी रूम से बाहर निकल जा रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रही होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल पे काइनेटिक एनर्जी उनका ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम फील कर रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, बोलो भाई, यहाँ पे आप यहाँ पे बताएं कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये आपको क्या कह रहा है कि काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। अगर ये सरफेस पे आया है, मान लो यहाँ पे कई लोग हैं, भसड़ मची पड़ी है, लेकिन ये ऐसे करके आके सरफेस पे बैठ गया, इट मीन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रही होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और साथ साथ एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसका, कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो सरफेस पे बैठे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या होंगे फिर मेरे भाई, ये वेपराइज होना शुरू होगा, वेपराइजेशन होगा, क्या होगा, वो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल, इनका वेपराइजेशन नहीं होगा, जो बल्क मॉलिक्यूल है वो वेपराइज नहीं होंगे, जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं यही वेपराइज होंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो बर्तन है, वो बर्तन हमारा क्या है, खाली है, खुला हुआ है पूरी। जब आप वेपराइज कर रहे हो तो वो भाप क्या हो जाएगी, केप कर जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, और भाप आपकी बाहर निकल रही है, इट मीन्स कि जो इसका मास है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। बोलो भाई, ये बात आपको समझ में आई, इसका वेट, वेट ऑफ कंटेनर कम हो जाएगा, है ना। अब जैसे खुले बर्तन में, पतीले में आप पानी गर्म करो और थोड़ी देर में देखोगे पतीले से पानी उड़ जा रहा है, तो पतीला खाली हो गया, है ना। अब उड़ने वाली चीज़ क्या है, सरफेस वाली चीज़ है जो उड़ रही है, जब ये उड़ कर जाएगी तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल जाके चिपक जाएंगे, फिर वो उड़ेंगे। क्लियर है, बिल्कुल होना चाहिए कि सरफेस की बात होने वाली है, सरफेस के मॉलिक्यूल की बात होने वाली है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जब हमने खुला बर्तन लिया है, खुले बर्तन के अंदर अब हमारा जो बनने वाला वाष्प है वो क्या है, एस्केप कर जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, जबकि हमारी हेडिंग है यहाँ पे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, वही क्या करे हमारे ऊपर कुछ प्रेशर लगाए। जब वो उड़ जा रहा है तो कहाँ से प्रेशर लगाएगा, तो हम करने वाले हैं क्या, खुले बर्तन को अब क्या कर देंगे, टैब लगा के उसको बंद कर देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब क्लोज कंटेनर ले लिया, कंटेनर, क्लोज कंटेनर लेना हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम तो ये क्या करेगा अपना वाष्प बन के बाहर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हमने एक बर्तन लिया, ये बर्तन अब इस बार क्या है, पूरी आपके सारे के सारे सिनेरियो सब वही पहला था, वही सब, बस इस बार हमने बर्तन, ठीक है भाई, बर्तन अब हमारा बंद। देखें अब यहाँ से उड़ेगा, यहाँ बहुत गौर से, बहुत बेसिक बात समझ, बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब ये उड़ के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हो क्या रहा है आपका, इवेपोरेट हो रहा है ना, इवेपोराइजेशन मतलब आप कह सकते वाष्पीकरण, वाष्पीकरण हो रहा है, ये उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है। अब कुछ समय बाद में जब ये ऊपर आएगा, बर्तन क्लोज है आपका, तो ये क्या होने लगेगा, कंडेंस भी होने लगेगा, ये उड़ा, कंडेंस मतलब
होने लगेगा, जैसे फिर पानी की बूंदें फिर टपकने लगती हैं। आप लोग देखते होंगे जब खाना बनाते हो, आपका ढक्कन बंद होता है पतीले का, तो वेपराइजेशन हुआ, फिर ढक्कन भी पानी गिरने लगता है वहीं से। आप देखते होंगे कि फिर वही वापस आपके कढ़ाई में या उसमें पानी जाता है ढक्कन के थ्रू, यहाँ से क्या होने लगेगा, साथ ही साथ कुछ समय बाद में यहाँ पे वही वाटर के पाने लगे, यहाँ चिपके पानी नीचे आने लगे। ये आप लोगों ने देखा होगा घर के अंदर, तो आपका इवेपरेट होना शुरू हुआ और साथ साथ में आपका कंडेंसेशन भी शुरू, कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, भाप का पानी बनना, भाप का पानी बनना। तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा, सब सपोज इस चीज को जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको बड़ा ध्यान, समय आएगा जिसपे भाप का बनना और कंडेंसेशन का होना दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। जरूरी तो नहीं है कि जितना शुरू में भाप बन रहा है उतना ही कंडेंस भी हो रहा होगा। शुरू में आप देखते हो भाप बनता है तो ढक्कन पे पानी नहीं रहता है ना, तो शुरू में ई वेपराइजेशन ज्यादा होता है, कंडेंसेशन कम होता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जहां पे ई वेपराइजेशन और आपका कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पे हो जाए। मतलब ये आपका जो वेपर है, वेपर, और ये आपका जो लिक्विड, यही इसी का तो आपको क्या मिलेगा, बोलो भाई, ये गैस मान लीजिए, गैस कह रहे हैं यहाँ पे, और जो लिक्विड है ये हमारा द्रव है। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे गैस और द्रव का एक आपको इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था स्टेब्लिश होते हुए दिखेगी, साम्य अवस्था स्टेब्लिश होते हुए दिखेगी, है ना। एक टाइम तो आपको लग ही रहा है। अब उस टाइम पे जब वो वेपर वापस आ रही है, उस समय पे जो इसके सरफेस पे वो प्रेशर लगाएगी, उस समय जो इसके सरफेस पे प्रेशर लगाएगी, कब कब, जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे, तो वही प्रेशर बोला जाएगा वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। ऐसा ऐसा नहीं है कि ऐसे पानी उड़ा वापस आके दबाने लगा तो वाष्प दाब होने लगा, नहीं। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ई वेपराइजेशन और आपका कंडेंसेशन का जो इक्विलिब्रियम अचीव होगा, उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर लगाएगा सरफेस के ऊपर, वही वेपर प्रेशर बोला जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, कितने अभी पागल है जिनको बताएं भाई, बोलो बोलो बोलो, संघनन, संघनन, हाँ। तो आपका क्या हुआ, वेपर प्रेशर वाष्प दाब, क्या क्या हुआ वाष्प दाब बताइए, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, सुनिए फिर से, कि किसी क्लोज कंटेनर के अंदर आप ये चीज वाष्पीकरण और संघनन दोनों जब आपके साम्यावस्था पर आ जाएंगी, और उस पर्टिकुलर साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा उस पर्टिकुलर सरफेस पृष्ठ पे लगाया गया दाब ही क्या होगा, वाष्प दाब होगा। कह दें कि सही है और हम आगे बढ़ें, बोले भाई बता दें कि बात बहुत छोटा सा है। ये ऐसा होता है ना कि वाष्प दाब, तो लोग कहते हैं जो भाप आ रही है वो जो दबा दे रही है वही वाष्प दाब है, हर हर बार वो वाष्प दाब नहीं बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम पे जो बात बोली जाए, क्लियर है ना। चलें चलें आगे, अब हमें कि वाष्प दाब किन कारणों पे, किन कारकों पे करता है वाष्प दाब, कारकों पे पहला बता। देखिए भाई वाष्प दाब जो है, अगर पहली पहली बात है, हाँ साम्य पे ही बात होनी, वो प्रेशर वो साम्य पे हो, वाष्प दाब जो आपका वेपर प्रेशर है किन किन कारकों पे डिपेंड करता है, तो उनमें अगर मैं आपसे कहूँ, आपसे कहूँ यहाँ पे
कारकों पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा, दोनों बातें करेंगे, पे नहीं करेगा उस करेगा, बहुत सारे बात। अगर मैं कह दूं कि मेरा आप ना बताइएगा, ये जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि मैं कह दिया यार कि एक मेरा छोटा सा पतीला है, छोटे से पतीले के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पानी गर्म और ढक्कन बंद है, ठीक है, और एक मेरे पास में बड़ा सा ड्रम टाइप का है कोना, और उस पे मैंने ढक्कन लगा के पानी गर्म किया, तो मुझे आप एक बात बताइए कि जो वो आएगा इक्विलिब्रियम, उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पे क्या वाष्प दाब ये छोटे भगोने का कम होगा और उसका ज्यादा होगा बड़े भगोने का, बताएं ये बात। बताएं भाई, बर्तन छोटा है, बर्तन बड़ा है, ढक्कन बंद है, बताएं हमें, ये दाब है आपका, प्रेशर। बड़े का ज्यादा हो गया, बड़े का ज्यादा हो गया, कैसे? प्रेशर होता क्या है, दाब क्या होता है, मुझे फोर्स पर यूनिट, क्या फोर्स पर यूनिट एरिया, अब समझ में नहीं आएगा तो तुम अपना सर एक बार लड़ा के देखो। पर यूनिट एरिया आपने ये फिक्स कर दिया है, ये एरिया आपने फिक्स कर दिया है ना, पर यूनिट एरिया पे लगाया गया जो फोर्स है वही फोर्स आपका प्रेशर हो गया, वही दाब हो गया। अब मैं ये कह दूं कि मेरा कंटेनर थोड़ा सा छोटा है, मेरा कंटेनर ये थोड़ा सा छोटा है, तो इस एरिए पे आपके द्वारा इस एरिए पे एरिया मान लीजिए मैंने ये एरिया डिसाइड, सेम एरिया मैंने बड़े कंटेनर के लिए, सेम एरिया इतना ही एरिया, तो मुझे एक बात बताइए कि ये भाप द्वारा उस पर्टिकुलर एरिया में लगाया गया फोर्स जो है वो बराबर ही होगा या अलग होगा, बोलो भाई। छोटका में बेसी होगा, छोटका में बेसी होगा, छोटका में बड़का में सब में बराबर होगा, पर यूनिट वाष्प दाब क्या है, एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया पे, पर यूनिट एरिया, जब आपने एरिया ही फिक्स कर दिया, अब मुझे एक बात बता दो, आप इतने एरिया में वही प्रेशर लगाओ और आप इतने एरिया में वही प्रेशर लगाओ तो आपका तो अलग अलग प्रेशर आएगा ना, प्रेशर को आप डिफाइन करने के लिए क्या करोगे, पर यूनिट एरिया करोगे, एक पर्टिकुलर एरिया पे फिर प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तब बताओगे इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है और इतना प्रेशर है ना भाई। तो हम ये कह पा रहे हैं कि पहली बात कि वाष्प दाब हमारा शेप और साइज ऑफ कंटेनर बर्तन के आकार पे नहीं डिपेंड करता है, क्या मैं कह सकता हूँ, बोलो भाई। बताओ भाई बेसिक क्या है, कितने कितने को जो भोजपुरी सबको आती भोजपुरी मस्त लग, जैसे हमारा जो क्या है, ये हमारा सर, मान लो हमारा ये तो हमारा पूर्व यूपी मतलब आप उधर चले, और इधर हमारा सॉरी उल्टा बोल दिया, पश्चिमी नोएडा की तरफ है, पूर्वी हमारा खत्म इधर बलिया की तरफ, ध्यान से देखें आप, ध्यान से कि जो सर के पश्चिम के होते हैं वो उनके बात उनका ट्यून बात करने का तरीका लहजा ऐसा लगता है ना वो आपसे लड़ाई कर लेंगे, लड़ जाएंगे, और जबकि उनका वो नॉर्मल होता है, आप हरियाणा पंजाब उधर टच कर जाओ तो बड़ा उनका नॉर्मल जो होता है बात करने का भी तरीका होता है, वो तरीका ऐसा लगता है कि यार बड़े अग्रेसिव, अभी लड़ जाएंगे, अभी मार देंगे, और उनका बात हमें बुरा लगता है, और फिर जैसे जैसे आप इधर बढ़ने लगे, आप पूर्वांचल की तरफ आने लगे, तो बिहार की तरफ धीरे धीरे सॉफ्टनेस आने लग, सॉफ्टनेस, आप जैसे बनारस से गाजीपुर की तरफ आगे बढ़ते हो, इधर आगे बढ़ने
बलियां जाते 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 एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये हम समझ पा रहे हैं कि अगर नोएडा का आदमी है उसकी गाड़ी ठोक दो और एक बलिया वाले का गाड़ी ठोक, फिर देखो दोनों के बात में है ना। बात में कैसे, एक आदमी बता रहा था, बलिया बता भी रहा था, प्यार से बोल रहा है ना कि ठोक दिए, नई गाड़ी है उसको कहना आपने गाड़ी हमारी ठोक दी। बाकी आदमी रहते तो लड़ाई कर लेते, पलिया वालों का इतना सॉफ्ट, थोड़ा और बिहार की तरफ और सॉफ्टनेस है, और लेकिन गुस्सा उनके अंदर वैसे ही उल्टा आता है। अगर उनकी सटक गई प्यारी तो पेट लेंगे वहीं से वहीं, तो बड़ा कॉम्बिनेशन बैठा के बोलना पड़ता है आदमी ठोक दिए। हाँ ठोक दिए मेरे भाई, यहाँ बेसिक हाँ बराबर होगा क्योंकि हमने एरिया को कर दिया है फिक्स है ना। हाँ इधर का हमको बड़ा अच्छा लगता है, गाजीपुर बलिया पढ़ते हैं ना, इधर की भाषा मुझे बड़ी सही लगती है। अब जितने भी बिहार के बच्चे करते हैं मैं उनका फ़ोन उठाते ही मैं मस्त हो जाऊँ कभी कभी, बाकी तो मज़ा आ जाता है मुझे उनसे बात करने। देखो मेरे भाइयों, मैं ये आपसे पहला कंक्लूजन क्या कह सकता हूँ, पहला यही है कि ये हमारा वेपर प्रेशर बर्तन के साइज आकार पर डिपेंड नहीं है ना। वाष्प दाब हम लिख दें यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा, वाष्प दाब बर्तन के साइज और से पर चाहे बर्तन छोटा रखिए बड़ा रखिए कोई बात नहीं, आपने पर यूनिट दूसरा कारक, दूसरा कारक बताइए, बताएं बताएं दूसरा कारक ये क्या करेगा, नेचर ऑफ सबस्टेंस, ये कैसा सबस्टेंस है, सबस्टेंस पदार्थ आपका जो है वो कैसा है ना। नेचर ऑफ सबस्टेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा, क्या करेगा नेचर आपको मैं समझ देखिए, दो तरीके के आदमी है, एक तरीके का आदमी ये होता है बड़ा आदमी होता है, बस उसको कर दो हाइपर है ना, तुरंत के तुरंत लगेगा। दो तरीके के, एक आदमी को मुझे हाइपर लेके जाना है तो थोड़ा सा छेड़ दो, और एक है कि अरे यार छोड़ो क्या बोलने, दोनों में अंतर है, दोनों के आदमी में दोनों में अंतर है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसे सबस्टांस होंगे हमारे पास में, ऐसे कंपाउंड होंगे जिन पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो जल्दी ई वेपराइजेशन जल्दी होंगे नहीं। कुछ ऐसे होंगे कि खोलते जैसे आप देखते हो पेट्रोल, आप देखते हो कोई बहुत सारे सॉल्वेंट है आपके, टॉलवीन है आपके है ना, जो लैब में यूज वाले सॉल्वेंट है, खोल दो उड़ जाएगा फट से। कुछ ऐसे हैं पानी है रखे रहो धीरे, क्या है रखे सॉलिड, नेचर पे डिपेंड करेगा कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है, पदार्थ की प्रकृति पे आपका वाष्प दाब क्या करेगा निर्भर करेगा। बात यहाँ पे आप मेंशन, पदार्थ की प्रकृति वाष्प दाब, वाष्प दाब निर्भर, जैसे मैं कह दूं मान लीजिए अगर प्रकृति पे उसके नेचर पे डिपेंड कर रही है तो कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग कि जो आपका क्या हो जाए सेपरेट हो जाए, मतलब जिसको हम लोग आगे जाके बोला टाइल और नॉन बोला टाइल का वर्ड यूज करेंगे, कुछ तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि चलो मेरे भाई जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे पानी है ना, यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल के तौर आपको वाटर, वाटर आप लोग मुझे बताओ वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एथेनॉल दे दिया,
वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो कितनी वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से टच करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन आपको मालूम होगा, आप लोगों को बहुत बेसिक बात पता है कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। देखो सब के सब, एक बच्चा प्रवीण ने चार लिखा है, जाके पढ़ना तो, पर जाके देखना, वाटर का एक मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यही दो दो वाले गिरे हैं अभी। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके पास में जैसे एथेनॉल है, आपके पास में एथेनॉल है तो आप एथेनॉल से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे जन है ना, आपने यहाँ एच है फाइव और एच आप सी टू, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे आपके पास में चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैं सेंस बताना चाह रहा हूँ, जैसे उड़ने का नेचर इसका भी है और उड़ने का नेचर इसका भी है, दोनों के जब उड़ने के नेचर हैं तो मैं अगर उड़ने जा रहा और मुझे चार लोग पकड़ के खींच, उड़ नहीं पाऊंगा, वो सब अट्रैक्शन अगर बढ़ा दिया आपने तो मैं उड़ना चाह रहा था मैं उड़ पाऊंगा, और इसको खींचने वाले एक लोग हैं तो आसानी से उड़ सकता है। इट मीन्स कि मैं एकदम क्लियर हो गया हूँ इस जगह पे कि कोई भी सबस्टांस जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो क्या करेगा, इजिली क्या करेगा, उड़ जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे बिल्कुल समराइज करके बात लिख सकता हूँ, आपका जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब है जो ना, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तरीके से आप यहां पे क्या कह लें, इतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जाएगी भाई आगे भविष्य, अभी आगे आने वाले आपके में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, है ना। ये जो वाष्प दाब है आपका, वन अपॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि अगर मैं उड़ना चाह रहा हूँ मुझे चार लोग खींचे तो मैं उड़ नहीं पाऊँ, बात खत्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा भाई, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपको मैंने दे दिया एथेनॉल दे दिया, आपका पहला है क्या, मैंने आपको दे दिया, क्या कहते हैं ग्लाइकोल कहते हैं, ग्लाइकोल कहते हैं, क्या कहते हैं सर, टॉल कहते हैं, बोलो भाई इसको क्या कहते हैं, कॉल क्या कहते हैं, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल ये कहते हैं ना, बताना एक दो तीन में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, कौन जल्दी वेपराइज हो जाएगा भाई, तो जितना जल्दी ज़्यादा वेपराइज होगा उतना ही वेपर प्रेशर लगाएगा, बात तो साफ साफ है ना भाई, बात तो साफ साफ है मेरे भाई, एथेनॉल ग्लाइकोल और ग्लाइकोल ग्लाइकोल और एथेनॉल, बताएं इनमें किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, तो आपको मालूम देख के ही लग रहा है कि थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला जो आपका है इसमें ज्यादा आपके क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके बाद में इसमें कम है, ये सबसे कम इसमें, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने तब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो इसका वेपर प्रेशर कम। एक बात मैंने आपको यहाँ पे बताना मैं भूल गया था, यहाँ पे देखें ध्यान से, ये जो हमने यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात की थी, यहाँ पे आपके सबस्टांस ए है, यहाँ पे आपने आपने लिया, अभी ये क्या है प्योर फॉर्म में है, प्योर प्योर ए है, प्योर ए अभी, तो
सॉल्वेंट के तौर पे, अभी सोल्यूशन नहीं बना है, क्या है? सॉल्वेंट है इसका। ये जो वेपर प्रेशर है, प्योर प्योर का जो वेपर प्रेशर है उसको नॉट बोले, ए नॉट। ए नॉट का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है मेरे भाई। वेपर ऑफ, तो हम लोग कह सकते हैं नॉट ए प्योरली। अभी जब हम सोल्यूशन बनाएंगे तो कोई चीज़ मिक्स करेंगे, तो जब मिक्स हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए उसको हम अलग पी ए से यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे नॉट यूज होगा ये प्योर सबस्टांस का वेपर प्रेशर बोला जाएगा, ये आपके खोपड़ी में होना चाहिए, है ना। तो मैं इस जगह पर अगर आपको लेकर आता हूँ, अब जगह पर लेकर आता हूँ, तो मेरे पास में क्या है, आपके पास में यहाँ पे एक तो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल ई लिख दिया है ना, और आपके पास में यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ क्या है भाई, ग्लाइकॉल है ना, और ये आपका क्या है, एल कर देते बताएं अब। तो आपको पता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कम हो जाएगा वेपर प्रेशर। नॉट 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 इसलिए लगाया हूँ क्योंकि प्योर की बात हो रही है। ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछा, बताइए मुझे कि वाटर है और आपके पास में एथेनॉल है C2H5, वो H है, तो आप तुरंत बता दोगे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी क्या है, ज़्यादा है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये वाटर का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्या वेपर बोले भाई, आपसे सवाल भी पूछ सकता है, आपको सवाल दे सकता है, चार दे दे ए बी सी ऑप्शन, और कह दे बताइए किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, किसका वेपर प्रेशर कम है। तो आपको वहाँ पे क्या देख लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख ले। बोलो भाई, बोलो, इंटरमोलिकुलर फोर्स वेपर प्रेशर, बात सही है, बिल्कुल बात सही। तो क्या ये मैं ऑर्डर जो लगाया हूँ सही ऑर्डर लगाया, तो ऑर्डर मैं लगाया हूँ क्या, है ना, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि नेचर ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड करता है, अगर वेपर प्रेशर ऑफ करता सबस्टेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें, हम सबस्टेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें, जब ये सबस्टेंस डिपेंड कर रहा है तो वोलाटाइल भाई, वोलाटाइल का मुझे आएगा और ये नॉन वोलाटाइल वाले भाई बताएगा मुझे वोलाटाइल और वोलाटाइल आपका क्या होगा, जो उड़ जाएगा, और नॉन वोलाटाइल जो आपका नहीं उड़ेगा, वोलाटाइल है ना। अब वोलाटाइल मतलब जो उड़ेगा, तो वेपर प्रेशर तो जनरेट होगा, कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड वैल्यू भी देगा, है ना, कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड वैल्यू भी देगा। तो जो हमने पी नॉट हम लिखेंगे, पी नॉट क्या है, प्योर सबस्टेंस का है, प्योर सबस्टेंस का है, ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू जी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दे है ना, वोलाटाइल है तो वाष्पशील, 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 ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं, यहाँ एग्जांपल में जैसे हमारे पास में क्या है, वोलाटाइल वाटर है, अभी आपने देखा पाइप एथेनॉल है, बहुत कुछ है, सब है, आपके टॉलुविन है, आपका बेंजीन है C6H6 बेंजीन है, C6 पाइप है, टॉलुविन सब क्या है, आपके लैब में यूज वाले सॉल्वेंट हैं। आप जनरली देखोगे कि
वाष्पीकरण हो जाता है, उड़ जाता है खट से, ये हमारे वोलाटाइल हो गए। और ये हमारे क्या है, नॉन वोलाटाइल में, नॉन वोलाटाइल में ये कह सकते हैं जो सॉलिड वाले होते हैं, सॉलिड इनको हम कंसीडर करते हैं, ये जल्दी नहीं उड़ते सॉलिड की बात। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे यू क्या है आपका, है ना, आपके पास में, आपके पास में ऐसे बहुत सारी आप कहते हैं, ऐसे रख देने पे वैसे जितना ये वाष्पीकरण इनका हो जाता है वैसे इनका नहीं होता है, ये आप लोगों ने देखा है, कंसीडर किया ग्लूकोज सुक्रोज, है ना। और आपको इनका कम से कम ये परमाणु भार, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनका आपको पूरा का पूरा सबका परमाणु भार निकालना आना चाहिए। या परमाणु भार और परमाणु क्रमांक की आप आगे कहानी बना ही नहीं सकते, वो आपको चाहिए। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा भाई, का फॉर्मूला बताएं मुझे, का फॉर्मूला बताएं, बोले भाई क्या का फॉर्मूला बताओ यार, बोल दो ना, कोच का, ग्लूकोज का बताएं, कोच का बताएं, है ना, ये आपको कम सुक्रोज का बताएं आप, सुक्रोज का कितना हो जाएगा, ये इसलिए क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर वेट, परमाणु क्रमांक, होल फ्रैक्शन सब यूज होगा। एटलीस्ट दो चार ऐसे जो बार बार यूज होने वाले हैं, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, लगातार एथेनॉल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, ये यूज होने वाले टर्म्स हैं बार बार, ये इनको कम से कम आप कर लीजिएगा। देखिए वे पीछे आपने देखा था, आपने पीछे देखा था एथेनॉल, है ना, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, और आपने यहाँ पे देखा यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, आपने यहाँ पे देखा आपका टॉलविन, एथेनॉल, वाटर और एसिड, ये कुछ हल्के फुल्के सॉल्वेंट आपको मालूम होने चाहिए, इनका फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर वेट, ये सब आना चाहिए डायरेक्टली यूज। क्लियर है भाई? तो हमने क्या किया, सबस्टांस को वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में हमने क्या कर दिया, बांट दिया। अब आगे की कहानी क्या होने वाली है, इसके अंदर आगे ये होने वाला है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सोल्यूशंस बनाएंगे, सोल्यूशंस बनाएंगे। अब सोल्यूशंस बनाने के लिए हमारे पास में दो चीज़ें, इवन तीन चीजें हो सकती हैं, कि मैं आपका जो सॉल्यूट होगा, जो विलेय होगा और विलायक होगा, दोनों को मैं क्या कर लूं, वोलाटाइल चूज कर लूं, ठीक, या फिर मैं एक वोलाटाइल लूं, एक नॉन वोलाटाइल लूं, सॉल्यूशन में एक हमारा क्या उड़े, एक ना उड़े। और वैसे नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल हम नहीं ले, नॉन आइडियल के हम आइडियली और नॉन आइडियली भी आगे जाके कोलिगेटिव में बांटेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम जा रहे हैं सोल्यूशन बनाने। और सोल्यूशंस जब हम बनाएंगे, सोल्यूशन बनाते समय हमारे पास में क्या हो जाएगा कि ए होगा और बी होगा, प्योर लिक्विड ए, मान लीजिए हमने ए को मान लिया वाटर और बी को मान लिया एथेनॉल, ए और बी को हमने क्या कर दिया, पानी के अंदर मिला दिया। अब ए भी उड़ता है और बी भी उड़ता है, तो दोनों क्या है हमारे वोलाटाइल नेचर के हैं। तो जब मिक्स होंगे सोल्यूशंस के अंदर, तो मिक्स होने के बाद में इनके वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन वो क्या होगा, यहीं से आता है राउल्ट्स का नियम, राउल्ट्स का नियम यहीं से जनरेट होगा और फिर धीरे से हम लोग अंदर चले जाएंगे। हाँ भाई सही बात है, कह सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे वोलाटाइल को और सोल्यूशन और राउल्ट्स का नहीं। तो अभी हम आपको अगले लेक्चर, ठीक है भाई, तो अभी आप लोग इतना ही करिएगा, धीरे धीरे अब आपको आगे, ठीक, कोई समस्या हो तो बताइए, आपको सवाल आज के इसमें से मिल सकता है, आपको ये सब दे दे, आपको दे दे, कह दे कि बताइए किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, किसका कम है, इसे कौन सा है जो आपका कम ज़्यादा वाला है।
ठीक है। तो आप इसको जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको आना चाहिए, आप नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिएगा ढंग से, बहुत बच्चों ने वाटर के लिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताए, चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो सब चीज़ जरूरत पड़ेगी आपको। मोल फ्रैक्शन बार बार यूज होगा, राउल्स के मोल फ्रैक्शन की बात करूँगा, मोल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, आपको मोल्स निकालने आना चाहिए, मोल से ही मोल फ्रैक्शन आएगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, जो बेसिक बातें हम लोग क्या है वो आपको चाहिए, मैं डायरेक्ट यूज करूँगा उसको, ठीक है। तो अब अगली वीडियो आपको हम कल प्रोवाइड कराते हैं राउल्स के नियम साथ में, ठीक है भाई। सर जिंदगी का नाम ही और समस्या से लड़ते रहना हमारी ज़िंदगी, लड़ते रहिए बातें हमारी। तो चलिए मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।